हेलो दर्शकों, 12 राशियां होती हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा व्यक्तित्व और गुण होता है। इस श्रृंखला में हम मेष राशि से शुरू होने वाली प्रत्येक राशि के अद्वितीय गुणों का पता लगाएंगे। 21 मार्च को राशि चक्र मेष में बदल जाता है। इस राशि को राशि चक्र की पहली राशि से भी जोड़ा गया है, जो व्यक्तित्व सरलता और प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये सारी विशेषताएं इस राशि में पैदा होने वाले हर व्यक्ति में देखी जा सकती हैं। मेष राशि के लोगों को जिम्मेदारी लेना और नेतृत्व करना पसंद है। वो ट्रेंड सेट करते हैं और पीढ़ियों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन सभी राशियों में से मेष ही क्यों? आइए समझते हैं मेष राशि की व्यक्तित्व विशेषताएं। मेष राशि का समय वसंत ऋतु से शुरू होता है। ये वो समय है जब प्रकृति सर्दियों की बेड़ियां तोड़कर एक नए भविष्य को अपनाने के लिए गर्म होती है। ये प्रकृति का नींद से जागने की तरह है। ये नई कलियों, फलों और फूलों के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये नई शुरुआत और संभावनाओं का मौसम है। नई यात्रा शुरू करने के लिए उत्साह होना चाहिए और मेष राशि के पास ये बहुत सारा है। माफ करना वृश्चिक, आप पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन मेष के उत्साह से कोई मेल नहीं खा सकता। मंगल ग्रह का पहला बच्चा ऊर्जा से भरा है और ऐसा हर प्रोजेक्ट में देखा जा सकता है जिसमें वो भाग लेते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनके सभी करियर फलते फूलते हैं। वो कितने इंट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं, ये उनके उत्साह पर निर्भर करता है। चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर ऊपर नीचे कूदना हो या उनके अपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, ये लोग निश्चित रूप से पावर हाउस होते हैं। साथ ही मेष बहुत प्रभावशाली होते हैं। सिंह राशि वालों के विपरीत इन लोगों को अटेंशन की लालसा नहीं होती, ये उस पर पकड़ रखते हैं। ये दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। मेष राशि के लोग जब भी कुछ करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब वो बयान देते हैं तो लोग उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अपने बारे में सहजता होती है और वो किसी को भी सहज महसूस करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इतने प्रभावशाली हैं, तो इसका मतलब वो बहुत मैनिपुलेटिव होंगे। असल में ऐसा नहीं होता। बेशक ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर आम तौर पर मेष बहुत मासूम होते हैं। वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और आम तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके साथ एक समस्या ये है कि वो मैच्योर नहीं होते। निश्चित तौर पर वो व्यक्ति नहीं जिन्हें आप बच्चे संभालने को कह सके। और हाँ, वो बहुत जिद्दी भी होते हैं, इसलिए जब वो कोई मत बना लेते हैं तो उसे बदलना असंभव है। अब जब हमने उनकी विशेषताओं पर चर्चा कर ली है तो बात करते हैं मेष की कंपैटिबिलिटी की। प्रत्येक राशि एक प्राकृतिक तत्व से जुड़ी होती है। मेष राशि के साथ दो अन्य राशियों सिंह और धनु के लिए ये अग्नि है। कहने की आवश्यकता ही नहीं, मेष राशि के लोग इन राशियों के साथ घुल मिल जाते हैं। धनु और मेष राशि के आदर्श बहुत समान हैं, इसलिए ये दो अग्नि तत्व वास्तव में एक साथ अच्छे होते हैं। मेष उत्साही होते हैं और धनु स्वतंत्र विचारों वाले। अगर मेष धनु को उनकी स्पेस देने के लिए सहज हो तो ये रिश्ता जीवन भर बना रह सकता है। दूसरी ओर मेष को सिंह राशि के साथ रहने में चुनौती मिल सकती है। सिंह डिमांडिंग होते हैं और मेष को नेतृत्व करना पसंद है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा सत्ता के लिए लड़ाई हो सकती है। अगर वो इन सब से ऊपर उठ सकते हैं तो ये दोनों राशि एक दूसरे की संगत को परिपूर्ण पाएंगे, लेकिन बस तब तक जब तक सिंह राशि कोई ड्रामा ना करे। वहीं बेस्ट की बात करें तो कुंभ इनके सबसे सही जोड़ीदार हैं, क्योंकि अग्नि और वायु अनुकूल तत्व हैं। कुंभ के पास धनु जैसा स्वतंत्र स्वभाव है, वो भी वाइल्ड साइड के बगैर। इसके अलावा ऑफ बीट कुंभ को मेष की प्रामाणिकता में सुकून मिल सकता है। वहीं मेष को कुंभ का अपरंपरागत स्वभाव काफी आकर्षित कर सकता है। अन्य राशियों की बात करें तो मेष तुला के साथ भी अच्छे हैं। ये ऑपोजिट अट्रैक्ट का क्लासिक केस है। अग्नि वायु कंपैटिबिलिटी भी एक भूमिका निभाती है। कभी कभी कम आत्मविश्वासी तुला को मेष इंस्पायरिंग लग सकते हैं और मेष को तुला के साथ स्थिर संबंध मिल सकता है। पर मिथुन और मेष बचकाने हो सकते हैं। यदि आप बड़े हों तो आपको पता होगा कि पांचवी कक्षा के बच्चों को 7 प्रोजेक्ट देने पर क्या बवाल हो सकता है। ये वैसा ही है।
जल तत्व की बात करें तो मीन बहुत खोखले हो सकते हैं और कर्क बहुत ही नरम दिल। ये दोनों राशियां उनके लिए अपीलिंग नहीं होती। मेष राशि वाले ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनके बराबर हों। वो इन दोनों राशियों को नहीं देखेंगे। बेशक अगर वो अपने मतभेदों को कम करते हैं तो ये सफल हो सकता है। हालांकि ऐसा कहना करने से आसान है, लेकिन हैरानी की बात है, मेष और वृश्चिक अच्छे जोड़ीदार हो सकते हैं। ये थोड़ा अजीब है, पर ज्योतिषियों का मानना है कि ये दोनों अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। ये शायद मंगल के प्रभाव के कारण हो, या इसलिए कि वो दोनों स्वचालित व्यक्ति हैं। इस रिश्ते में दोनों ओर से थोड़ी कोशिश करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अग्नि और जल आम तौर पर मिश्रित नहीं होते, और पृथ्वी तत्व की राशि इस राशि के साथ मेल नहीं खाती। उनके व्यवहारिक स्वभाव को मेष द्वारा बहुत सीमित और ऑर्थोडॉक्स माना जा सकता है, जबकि कन्या को मेष राशि इमैच्योर लग सकती है। वृषभ को बचकानी और मकर को लग सकता है कि वो बहुत विचलित हैं। इसलिए कन्या, मकर और वृषभ इस राशि के लिए अच्छे नहीं। यहाँ एक बात को ध्यान रखें कि मेष के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, तो उन्हें लुभाना पार्क में टहलाने जैसा नहीं, चाहे वो कुंभ हो, सिंह या वृषभ। अब चलिए मेष की मानसिकता को गहराई से समझते हैं और जानते हैं उनकी पसंद और नापसंद। मेष राशि के लोगों को नई चीजें शुरू करना बहुत पसंद होता है। उनकी कुछ अलग दिलचस्पी हो सकती है। मेष का सबसे अच्छा उदाहरण है लियोनार्डो द विंची, जिनकी कई दिलचस्पियां थी। लियोनार्डो द विंची एक बहुरूपीय थे और विभिन्न विषयों में उनकी रुचि थी। ये विशेषता कई मेष राशियों के लोगों में देखी जा सकती है। यदि आपको विश्वास नहीं तो उन्हें कोई कहानी सुनाने और एक किताब देने की कोशिश करें। आप उनके अंदर के बच्चे को बाहर आता देखेंगे, भले ही वो कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो। और इस राशि के लोगों को सीखने का शौक होता है। उनका मानना है कि सभी मनुष्य उम्र भर के लिए शिष्य हैं। हम नई चीजों से सीखते हैं और उन्हें जिंदगी में लागू करते हैं। अब समझ आया कि वो नेतृत्व अच्छे से क्यों करते हैं। वहीं नापसंद की बात करें तो मेष फायदा उठाए जाने से बहुत नफरत करते हैं। यही कारण है कि वो मैनिपुलेटिव नहीं बनते। उनकी पूरी जिंदगी में दूसरे लोग उनकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो इसे समझने लगते हैं और अपने दोस्तों को कम करने लगते हैं। इसी वजह से अगर उन्हें दूसरे का व्यवहार थोड़ा गड़बड़ लगता है तो मेष अक्सर खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं। उन्हें दूसरों द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने के लिए वो अच्छे से जाने जाते हैं। उनके लिए उनकी स्वतंत्रता उनका ही हिस्सा है। क्या आप मेष राशि के हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको मेष होना पसंद है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम दूसरी राशि वृषभ के साथ वापस आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।